रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनपी वर्कशॉप्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप सबके साथ इस तरह से आया हूं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। और ये अपडेट है पाकिस्तान नेवी सिविलियंस के हवाले से, जो 2021 में अभी जॉब इसकी आई हुई है और इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू है। और इसके जो टेस्ट सिलेबस है, टेस्ट क्राइटेरिया है, इन सब के हवाले से एक न्यू अपडेट आप सबको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो कैंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे एक बेल वाला आइकन होगा, इस पर भी आप क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। सबसे पहले इसका जो एड है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है और इसका लिंक जो है, वीडियो लिंक जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा इसका ऑनलाइन अप्लाई आपने किस तरह से करनी है, इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और इसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ कि इसका टेस्ट सिलेबस, टेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा। टेस्ट सिलेबस जो इसका होगा फ्रेंड, इनमें से 100 एमसीक्यूज होंगे। आपके पास कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, आपका जो है जैसे एनटीएस, पीटीएस, सीटीएस वगैरह होते हैं, इस तरह का ही टेस्ट आपका होगा। 100 एमसीक्यूज के होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग इसकी नहीं होगी। टेस्ट क्राइटेरिया या टेस्ट सिलेबस जो होगा, इसमें 20% जो होंगे इंग्लिश के होंगे, 20% पाक स्टडी, 20% इस्लामिक स्टडी और 20% जनरल नॉलेज और 20% जो होंगे जॉब रिलेटेड होंगे। इसके अलावा फ्रेंड, अभी आते हैं कि आपने इस टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, जिन्होंने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इनका टेस्ट सिलेबस यानी टेस्ट तैयारी जो है, आप 9th-10th के जो बुक्स हैं इनसे आप इसकी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जनरल नॉलेज की तैयारी जो है आप नेट से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड, अगर आप बाकी जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट हैं, टेस्टिंग एजेंसी है, इसकी टेस्ट की तैयारी अगर आपने करी है तो हमारे इस चैनल पर बहुत सारा मवाद मौजूद है, डिटेल मौजूद है, जिससे आप इसका काबिल हो जाएंगे कि आप इस इन टेस्ट को आसानी के साथ क्लियर कर सकेंगे। और फ्रेंड, ये थी मेरे पास शॉर्ट की अपडेट। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक और शेयर करें और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।